हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कोर्ट प्रोसीजर, यानी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे होता है जब कोई विटनेस, वो कॉमन विटनेस हो सकता है या तो फिर एक्सपर्ट विटनेस हो सकता है, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर को भी जाना पड़ता है एविडेंस देने के लिए, तब प्रोसीडिंग्स कैसे होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, हम AIA PGET और मॉडर्न में नीट की एग्जाम्स के भी वीडियोस आपको दिखाएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी वो ईजी रहे। कोर्ट प्रोसीजर, when a doctor is called in a court of law as a witness, the evidence is recorded in the following sequences. Following sequences mein, first one is oath, second is examination in chief, third one is cross examination, fourth one is re-examination, and fifth one is questions put by the court or judge. Cross examination and re-examination bahut hi important hai, isiliye aap ye video ko last tak dekhiye. We will start with the oath. Once the medical officer is summoned, makes his appearance in court, summons के बाद उसको court में appear होना रहता है, his evidence is recorded after administration of the oath. He is required to swear by Almighty God. वो Almighty यानी कि God को याद करके swear लेता है. What he will tell will be the truth. वो जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा और सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलेगा. If the witness is an atheist, तो फिर वो solemn affirmation बोलता है instead of swearing by God. So ये यहाँ पे एक oath का example दिया हुआ है. The evidence shall I give to the court shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. So God help me. और यहाँ पे मैंने solemn affirmation भी लिया हुआ है. I solemnly affirm that the evidence that I shall give in the court shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. The witness will be liable to prosecution for perjury under section 193 IPC. ये पहले भी हमने बोला है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप विटनेस का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. Examination in chief. It is carried out by the lawyer of the party who called the witness. जो पार्टी ने विटनेस बुलाया है वो पार्टी examination of chief conduct करेगी. In government prosecution cases, say for example in murder cases, the public prosecutor first examines the doctor. So जब कोई government prosecution cases आते हैं जैसे कि murder case, तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि गवर्नमेंट लॉयर फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ स्टार्ट करेंगे टू एलिसिट द फाइंडिंग्स ऑफ केस अंडर इंक्वायरी. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू पुट ऑल द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. सभी फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखना यह एग्जामिनेशन इन चीफ का ऑब्जेक्टिव है. नो लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड इन दिस पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. Leading questions are the questions that suggest the answer. ऐसे questions जिसे directly answer मिलता है, वैसे question examination in chief में allowed नहीं है. Section 141 of IEA. For example, doctor, was the injury caused by sharp cutting weapon is a leading question because उसका answer yes या no में आता है. अगर वो question examination in chief में पूछना हो तो द प्रॉपर वे टू पुट द क्वेश्चन इज डॉक्टर व्हाट वेपन वुड कॉज दिस इंजरी. ये इंजरी कौन से वेपन के द्वारा हुई है. क्रॉस एग्जामिनेशन, इन दिस पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन द लॉयर फॉर द ऑपोजिट पार्टी क्वेश्चंस द विटनेस. ऑपोजिट पार्टी के लॉयर के द्वारा जो विटनेस है उसको क्वेश्चन किए जाएंगे. Objective of this examinations are to elicit facts favorable to his case. अपने फेवर में वो केस को ले जाने के लिए कुछ फैक्ट्स बाहर निकालेंगे. To test the accuracy of the statements.
वो जो विटनेस ने पहले स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो टेस्ट करेंगे, टू मॉडिफाई और एक्सप्लेन व्हाट ही हैज बीन सेड, विटनेस ने जो बोला है उसको मॉडिफाई और एक्सप्लेन भी करेंगे, एंड टू डिस्क्रेडिट द विटनेस, जो ऑपोजिट पार्टी वाले ने जो बोला है उसको डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश करेंगे. लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 ऑफ IEA, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड होते हैं. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वेल नोन ऑथर एंड एमिनेंट मेडिको लीगल एक्सपर्ट प्रोफेसर बी.वी. सुब्रमण्यम वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड फॉर 2 कंप्लीट डेज. तो ये जो बी.वी. सुब्रमण्यम है, प्रोफेसर बी.वी. सुब्रमण्यम जो वेल नोन ऑथर एंड एमिनेंट मेडिको लीगल एक्सपर्ट है, उनको पूरे 2 दिन के लिए क्रॉस एग्जामिन किया गया था. नेक्स्ट इज री एग्जामिनेशन. द लॉयर हु हैज स्टार्टेड द एग्जामिनेशन इन चीफ has right to re-examine a witness. Objective of re-examination are to explain any ambiguities or correct any mistake or add details to the statement the witness has made in cross-examination. Cross-examination में witness ने जो भी कुछ बोला है उसको करेक्ट करने के लिए, उसकी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए या फिर अंदर कुछ एड करने के लिए री एग्जामिनेशन होता है. लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन री एग्जामिनेशन. री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं. नो न्यू थिंग्स और न्यू सब्जेक्ट्स में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द विटनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ जज. एक बार एग्जामिनेशन इन चीफ में जो चीज रखी गई है वही आगे क्रॉस एग्जामाइन और री एग्जामाइन होती है. कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस डायरेक्टली री एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते. इफ न्यू सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, अगर कोई नया सब्जेक्ट री एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस होता है, देन द लॉयर ऑफ ऑपोजिट पार्टी हैज द राइट टू री क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस ऑन अ न्यू मैटर. फिर सामने वाली जो ऑपोजिट पार्टी है वो री क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है. अंडर सेक्शन 311 CRPC, द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू recall, re-examine any witness already examined if his evidence appear to be essential to just decision of the court. यानी कि court को ये अधिकार होता है कि ये किसी को भी recall या फिर re-examine करने के लिए बुला सकते हैं, चाहे वो expert witness है या तो फिर common witness है. Questions put by the court. और जज, द जज और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में क्वेश्चन टू द विटनेस ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन टू क्लियर अप एनी डाउटफुल पॉइंट्स. यानी कि अगर जज को कोई क्वेश्चन लगता है, कोई डाउटफुल चीज लगती है, तो वो क्लियर अप करने के लिए पॉइंट्स रख सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Yes, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने ये फॉलो लिंक्स दी है. आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.